हमारे कुछ नौजवानों का बाल सुअर कट बाल है, हक्कन ईमानदारी बोलता हूं। अमेरिका का जो सुअर है उसका मुंह देखिएगा, और हमारे कुछ नौजवानों के सर का बाल देखिएगा सुअर कट। अभी आईपीएल मैच चल रहा कि नहीं चल रहा है, 2023 आईपीएल मैच कलकत्ता की टीम में है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है जिनका नाम है रसल। रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो सिर्फ छक्का मारते हैं। उसका बाल भी आप देखिएगा, वो चारों तरफ से काट के बीच में उठाए हुए हैं। और अमेरिका में आप जाइए और देखिए तो हमारे भी कुछ नौजवान ऐसे ही हैं, बाल कैसे काट रहे हैं, चारों तरफ से घुमा के और सिर के ऊपर उठा के काट लेता है। उसको कौन सा कट बोलते हैं बाबू? है बाबू कौन सा कट बोलते हैं, बोल बाबू। देखिए वाह बहुआ का बाल लेकिन सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुआ का बाल सही है। अब सुअर कट बाल किनका है मौली साहब बताएंगे नहीं, लेकिन उस बाल को क्या करते हैं, सुअर कट, हदीस में मना है। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920 के अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कजा से मना फरमा। कजा मतलब कुछ बाल को काट दिया जाए और कुछ को छोड़ दिया जाए, वही हो ही रहा है। लेकिन ये कटवाता कौन है, मेरा बेटा बनेगा रोनी धोनी सोनी, ये तीन वजन में लेके आ गया, मेरा बेटा बनेगा रोनी धोनी सोनी, बाल वैसे काटेगा। अच्छा आप ही बताइए, जहां बाल काटने जाते हैं हज्जाम के यहां, उसकी फोटो किसकी लगी रहती, किसी मौलवी की फोटो आपने देखा है, किसकी फोटो लगी हुई है, रोनी की धोनी की सोनी की, रोनी समझे। यार आप लोग इतना आसान नहीं उर्दू समझ रहे हैं तो कैसे हो पाएगा, रोनी समझे आप, रोनी रोनी फुटबॉल का खिलाड़ी है कि नहीं, रोनी नहीं मालूम आप लोगों को, सिर्फ रोनाल्डो मालूम है, रोनी बड़ा मशहूर खिलाड़ी है रोनी। वैसा बाल काट लेने से हमारा बेटा रोनी हो जाएगा, नहीं होता। क्रिकेट के हमारे कैप्टन है, झारखंड के थे अभी है, कैप्टन नहीं है, धोनी। किसी जमाने में धोनी का बाल भी पीछे लंबा लंबा था, तो धोनी कट काट लेने से हमारा बेटा धोनी हो जाएगा। सोनी फिल्मी दुनिया के हैं, देखिए मौली साहब कहां से घुट के ले आए, तो सिर्फ बाल काट लेने से हमारा बेटा वैसा हो जाएगा। बहुआ का बाल बड़ा अच्छा है, देखा आपने काहे भाई ऐसा, तो मां बाप खुद कटवाते हैं ये बाल जो है, मां बाप खुद कटवाते हैं। हमारे कुछ नौजवानों की पैंट देखिए, फटी पैंट, उस पैंट का नाम क्या है, फटी पैंट। और कहां फटती है, यहां पर फटती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये यहीं पर फटी हुई है, ये यहां पर फटी हुई है। बाबू ये फटी पैंट क्या पहन रहा है, कपड़ा कम हो गया का, बहुओ ये फटी पैंट क्या पहन रहा है, अरे मौली साहब ये फैशन है, क्या ये फैशन है, फैशन नहीं मौली साहब ये फैशन है। अच्छा यानी ये फटी पैंट फैशन है, और पीछे वाली जो पैंट है वो एकदम गिरते रहती, अगर नमाज पढ़ने अगर चला गया मस्जिद में तो पीछे वाले जितने खड़े रहेंगे उसके नुक्कड़ से उसके कपड़े से पीछे वाले की नमाज कैसी होगी, हक्कन ईमानदारी बोलिए आप, खराब करेगा कि नहीं करेगा, फटी पैंट फटी पैंट। और आजकल बूढ़ी माता भी फटी पैंट पहन रही है, बूढ़ी माता। और कपड़ा हमारा क्या, चुस्त बारीक मुख्तसर, चुस्त बारीक मुख्तसर टाइट फिट, ढीला ढाला कौन पहनते आप ही बताइए, हक्कन ईमानदारी कहिएगा, अगर दर्जी ने ढीला ढाला सिल दिया वो दर्जी की टेलर की टाइट हो जाएगी, हम और आप जाके टाइट कर देंगे उसकी, रे भाई इतना ढीला सिल दिया एकदम टाइट सिल, और टाइट जैसे ही सिले और हमने और आपने टाइट पहन लिया तो क्या होता, टाइट में हर चीज टाइट दिखती है, दिखती कि नहीं दिखती है ना, हमारे नौजवान पहन रहे, माए भाई है बहने भी हैं पहने टाइट चुस्त मुख्तसर। अच्छा आप ही बताइए, मार्केट में
बेटी के लिए, छोटी बेटिया के लिए फुल कपड़ा मिलता है क्या? यहां तक का नहीं मिलता। कहां तक का मिलता? कट, ये कट वाला मिलता। अभी ईद में खरीद के लाए, ये कट वाला मिलता। आखिर ये पूरा हाथ खुला हुआ काय रहता भाई? तो बोले अरे मौली साहब, मार्केट में तो ऐसी दुकानें नहीं है। असल में हम और आप ऐसा कपड़ा खरीदते नहीं है, तो लाएगा कैसे? नो, मांगी नहीं है। जब उसकी मांग रहेगी तब ना खरीद के लाएगा, तब ना वो लाएगा खरीद के और हम और आप उससे खरीदेंगे। हमारी बेटियों के जो कपड़े हैं उसको आप देख लीजिए, कपड़ा वो पहने हुई है लेकिन बाहर से सब कुछ दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खरीदता कौन है? हम और आप खरीद रहे हैं। तो नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, ये बिगाड़े जा रहे हैं, ये खुद ब खुद बिगड़ नहीं रहे हैं। अगर हम और आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चल के ये बिगड़ जाएंगे। ये मोबाइल फोन आ गया। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, एक वीडियो क्लिप उनकी घूम रही है, कि लगभग पूरे भारत देश में 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है। 8 लाख मुर्तद हो गई, दीन इस्लाम से उनको लेना देना नहीं। और एक बात और बता दूं, पूरे भारत देश में एग्जाम जहां भी हो रहे हैं, इम्तिहान जहां भी हो रहे हैं, बोर्ड का इम्तिहान, उसमें लड़कियों का नंबर बहुत आगे रहता है, लड़के का नंबर पीछे है। और हर साल ऐसा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काहे? बेटिया का नंबर अच्छा है और बेटौआ का नंबर? तो क्या बेटे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं, बेटी भी मेहनत कर रही है, लेकिन हर साल बेटिया ही आगे रहती है, बेटौआ पीछे है। और एक चीज और बता दूं, हमारी और आपकी बेटी जो बहक रही है, इधर उधर जा रही है, उसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे असबाब हैं क्यों जा रही है। असल में क्या, जब वो कॉलेज में पढ़ रही है तो उनकी तारीफ बहुत होती है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं, आप अच्छा लिखती भी हैं, आपका मैसेज जब मैं मोबाइल में पढ़ता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके टाइप करने का अंदाज बहुत प्यारा है, आप कितना अच्छा बोलती हैं। अच्छा, मेरे लायक कोई खिदमत हो, आप उस दिन नहीं आए थी तो मैं आपके नोटबुक में लिख दूं। हाय रे मोहब्बत, घर में तो कोई मोहब्बत का इजहार करता ही नहीं कि माशाल्लाह बिटिया रोटी अच्छा बनाती है, अच्छा पढ़ती है, और जैसे कॉलेज में गई वहां तारीफों के पुल बांध दिए गए। ये लड़का इतनी तारीफ कर रहा है, और अगर मेरा जीवन साथी हो गया तब तो कितनी तारीफ करेगा। तो उसने अपना दीन धर्म दांव पे लगा दिया, दुनिया से भी गई, दीन से भी गई। बड़े मसाइल है, मैं आगे खुलना नहीं चाहता, लेकिन खोलना तो पड़ेगा ही। मेरे भाइयों, अगर हम और आप ध्यान नहीं देंगे, आज लोगों को फिक्र है। क्या फिक्र है? जगह जगह इश्तिहार निकल रहे हैं कि 5,000 हाफिजों को, आलिमों को फ्री में डॉक्टर बनाया जा रहा है, 10,000 हाफिजों को, आलिमों को फ्री में डॉक्टर बनाया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को फ्री में मौलवी कब बनाया जाएगा? क्या शेर भाई, अगर आप हाफिजों को, आलिमों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको मुसलमान कब बनाएंगे, मुस्लिम बच्चों को, ताकि उनके दीन का सौदा ना हो? आप ही बताइए, हमें और आपको दीन बचाना है या दुनिया बचानी है? दोनों बचाना है। अच्छा, आप ही बताइए, जान की फिक्र करनी है या पहले ईमान की फिक्र करनी है? आए आए, जान की फिक्र या ईमान की फिक्र? ईमान की फिक्र। अगर ईमान ही चला जाए और दुनिया मिल जाए तो फायदा? चलिए, मेरा सवाल है आपसे, अंग्रेजों ने मदरसों पर बुलडोजर चलाए या अंग्रेजों ने स्कूलों पर, कॉलेजों पर बुलडोजर चलाए? किस पर बुलडोजर चलाए थे? काहे?
आज पूरे भारत देश में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 5% है, बस 5% है। कितने? 5%। सरकार क्या कहती है कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, अच्छी बात है, लेकिन हम मौलवियों का यह भी मुतालबा है कि जो हमारे बच्चे 95% स्कूल और कॉलेज में हैं, उनके एक हाथ में कुरान कब आएगा, दूसरे हाथ में तो कंप्यूटर है ही है। शिक्षा का यह मुतालबा भी सही है कि गलत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ में कुरान कब आएगा?